स्वागत है स्वीकार आई टी एग्जाम के यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज जो मेरी क्लास होने वाली इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की होने वाली है आई टी आई फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, वो आज आपके लिए जो मॉडल पेपर है स्टार्ट करने वाला वो आपके लिए जो क्वेश्चन है आपके लिए मिक्स क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं इस टाइप से जो आपका पेपर बनता है इस टाइप से होता है, ठीक है। 3 घंटे का आपको टाइम होता है इसमें, ठीक। लेकिन जो आपका मॉक टेस्ट है सेमेस्टर फर्स्ट का यानी कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए होने वाला है, जो आगे की क्लास होगी उसमें मैं सेकेंड ईयर वालों के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो आपको प्रैक्टिस सेट लाए हूँ पेपर फर्स्ट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन होंगे इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, इस तरह का पेपर जो होगा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनते हैं। क्योंकि जो आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले सब ये आप किसी बुक से ही हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है आज आपकी बुक से लाया हूँ। और जो एग्जामिनर जो पेपर वगैरह बनाते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक। अधिकतर क्या करते हैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। और क्या जो स्टूडेंट होता है वो क्या कहता है कि जो बुक से क्वेश्चन नहीं आए, बुक से कुछ बाहर से आए, लेकिन नहीं, बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। जो आपकी जो लैंग्वेज है थोड़ी चेंज कर देता है, ऑप्शन में थोड़ा सा हेर फेर कर देता है बस एग्जामिनर, बाकी कुछ नहीं करता, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक से उठाता है, अगर आप चाहें तो उन क्वेश्चन को अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पड़ेगा जो आपको पेपर वगैरह आपको एग्ज़ाम में मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, ये ना आपको ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट क्लास होगी, इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों में, जरूर जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ठीक। तो चलिए आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी इसमें होने वाले हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको करवाऊँगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो न्यूमेरिकल होंगे और जो बाकी के न्यूमेरिकल्स वगैरह रह गए हैं, यानी कि इस एक क्लास और होगी इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगा आपकी यही सेट होगा, उसके बाद एक क्लास में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नए नए ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आपको करवाता चलूँगा, ठीक। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। एक सेकेंड मैं आपको सही से यहाँ पर दिखा देता हूँ, अब ठीक है ना, अब यहाँ से आपको अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है। ऑप्शन ए आपका वोल्टेज, बी है करंट, सी है दूरी या फिर डी पावर। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। विद्युतीय मात्रा नहीं है, विद्युतीय मात्रा की बात कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देकर इसका अंदाजा लगा सकते हो, ऑप्शन देकर आप इसका अंदाजा जो है लगा सकते हो, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए। जितने भी क्वेश्चन है मैंने सब आपको बेसिक से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन है मैंने करवा भी रखे हैं आप लोगों को, अगर पिछली क्लासेस आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो दूरी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, दूरी। दूरी सबसे अलग है, वोल्टेज भी है भैया आपका, करंट भी होता है और पावर भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि दूरी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, करंट मापा जाता है, क्या पूछ रहा है, करंट किस में हम मापते हैं। चलिए धारा की बात कर रहा है, आपने देखा होगा धारा, धारा जब भी हम मापते हैं तो उसमें क्या आता है, ए आता है, ठीक, क्या आता है, ए ऐसे आता है, जब भी हम कुछ भी सोल्व करते हैं धारा में तो इस टाइप से ए आ जाता है। तो एक ए क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका एम्पियर होता है, क्या, एम्पियर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा एम्पियर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्थिर विद्युत का एक ऐसी शाखा है जिसमें, अब आपको ऑप्शन बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। चलिए, चालकों के बीच के अंतर में ऊर्जा का प्रवाह का अध्ययन होता है, बचे हुए आवेश का अध्ययन होता है, या संचल आवेश का अध्ययन होता है, या आवेशित ऊर्जा का अध्ययन होता है। अब आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। तो जो बचे हुए आवेश होता है उसमें इसका हम अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिक में, ठीक है, किसमें, स्थिर जो वैद्युतिक होते हैं क्या करते हैं, इसमें जो बचे हुए आवेश रहते हैं उनका हम अध्ययन होता है स्थिर वैद्युतिक में। इसी में पूछा विद्युत की धारा एक ऐसी शाखा है, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि इंडस्ट्रियल अर्धचालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कक्ष होता है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 4 या फिर डी 6। चलिए आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। तो 4 आपका जो संयोजक कक्ष होते हैं वो 4 होते हैं, कितने, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर 4 होगा, ठीक। चलिए अब आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1 PN संयुज धारा का प्रवाहित जो प्रवाहित करता है जब
आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, पी प्रकार के पदार्थ एन प्रकार के पदार्थ से अधिक होते हैं, ठीक, या अधिक धनात्मक होते हैं, एन प्रकार के पदार्थ पी प्रकार के पदार्थ से अधिक धनात्मक होते हैं, या फिर एन प्रकार और पी प्रकार दोनों पदार्थों का बराबर इसमें जो है विभव होता है, या फिर एन प्रकार और पी प्रकार दोनों पदार्थों पर कोई भी विभव नहीं होता। तो चलिए आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो जो बी पर पी प्रकार के पदार्थ होते हैं और जो एन प्रकार के पदार्थों से क्या से होते हैं, अधिक धनात्मक होते हैं। क्या ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्रतिरोध मापा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, बार बार एग्ज़ाम में आपके, ये नहीं कि आईटीआई में जो कंपटीशन है एग्ज़ाम वगैरह भी होते हैं इसमें भी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध मापा जाता है और सबको पता है, लगभग लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा इसका राइट आंसर। चलिए जवाब दीजिए, तो क्या होता है, ओम, ओम, ठीक है, इसकी जगह क्या होती है, ओम होती है, इसका सिंबल इस टाइप से होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया इतना। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जब का प्रतिरोध, ये इसमें दे रखा है, जो प्रतिरोध और वोल्टेज जो धारा होते हैं इनका सूत्र क्या होता है, जैसा आप पता होगा जो न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते लिए जाते हैं, इस पर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी करवाए हैं इसी फॉर्मूले पर। इसमें जो वी है वोल्टेज है, आर जो है यहाँ पर प्रतिरोध है, और जो आई है वो है आपकी धारा, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एक बात को देखते हैं, वो क्या होता है, V बराबर आई आर भी होता है। अब यहाँ पर इसके कई सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं एक ही सूत्र से। सबसे पहले तो हम निकालते हैं V बराबर आई आर, ठीक। अगर मुझे धारा का मान निकालना हो तो मैं क्या काम करूँ, अगर मुझे I निकालना हो, ये I है, अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं क्या काम करूँ, जो R है इसको उसके बटे में ले चालूँगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, V अपॉन R बराबर I, ये हो चुका है। अगर मुझे R का मान निकालना हो तो मैं क्या काम करूँगा, इस I को इसके बटे में ले चालूँगा V के, और R का मान निकल जाएगा, तो V अपॉन I बराबर R। अब आप देख सकते हैं इसमें किसका मान पूछ रहा है। चलिए अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किसका मान इसमें पूछ रहा है। तीन फॉर्मूले आपके सामने हैं, आई बराबर वी अपॉन आर, या फिर आर बराबर वी अपॉन आई, या फिर वी बराबर आई आर। चलिए आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। तो इसमें आई के फॉर्मूले ज़्यादा दे रखे हैं, आई आई के दे रखे ना, तो इसमें आपको देखना है जो वी इसमें सबसे ऊपर क्या आ रहा है, वी आई का मान, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना, यानी कि वी बराबर आई बराबर कौन सा, आई बराबर वी अपॉन आर, तो ये फॉर्मूला इसमें सफिशियंट है। तो यहाँ पर आपको जो देखना है कौन सा है, तो वी अपॉन आई आर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीन चार फॉर्मूले बन जाते हैं, मैंने बताया वी बराबर आई आर भी होता है, ठीक, और अगर आर का मान निकालूँ तो आई वी अपॉन आई हो जाएगा। वी हमेशा सब पे टॉप पर रहेगा, ठीक है, जो वोल्टेज होगा वो सबसे ऊपर रहता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि एम्पियर सेकंड इनमें से किसका मात्रक हो सकता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। तो आवेश जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, आवेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पूछ रहा है कि किसी परिपथ सर्किट में के लिए जिसमें 36 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टेज सोर्स क्या होगा। न्यूमेरिकल आपको पूछा है, तो आर का मान आपको देख रखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ 36 ओम। आर का मान कितना दे रखा है, 36 ओम, और आई आपको दे रखा है क्या, 2 एम्पीयर। अब आपको क्या निकालना है, वी निकालना है भैया आपको, वी। अब आर भी दे रखा है, आई भी दे रखा है, निकालना क्या है, वी। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वी बराबर आई आर, ठीक है, जो हमने अभी पीछे जो क्वेश्चन गया उसमें पढ़ा। तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2,
यहाँ पर लिख देता हूँ, दो दे रखी है, और जो आर की वैल्यू कितनी दी है 36, तो जब मैं 2 × 36 करूँगा, 2 × 36, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 72 वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया इसमें, मैंने लगाया फॉर्मूला वी बराबर आई आर। ठीक है, आई की वैल्यू 2 रख दी, आर की वैल्यू 36 लिख दी, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, 72। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए आपको बताना है राइट आंसर किसके साथ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब एक श्रृंखला परिपथ के 3 प्रतिरोध जिनका मान क्रमशः बी 120 ओम, 270 ओम तथा 360 ओम है से बना कुल प्रतिरोध। अब ये श्रृंखला परिपथ क्या है, तो ये सीरीज़ की बात कर रहा है, सीरीज़ में जिस सेमी एस टाइप से जो बोलते हैं सीरीज़ में, ठीक है, कोई भी प्रतिरोध होता है इस टाइप से, एक सेकेंड, यहाँ पर इस टाइप से ये मैंने उसमें संधारित्र में बना देता, तो इस टाइप से जो आपका प्रतिरोध जुड़ता है वो इस टाइप से जुड़ता है सीरीज़ में, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है आपको 120, और एक कितना दे रखा है आपको 270, और एक कितना दे रखा है आपको 330। तो आपसे R का मान पूछ रहा है, क्योंकि कुल टोटल जो है प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो जो मैंने आपको जो पिछली क्लासेस हुई हैं, 2-3 क्लासेस में आपको करवा भी रखा है, ठीक है, कि जो सीरीज़ वाला फार्मूला होता है क्या होता है मेरे पास, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मेरे पास फार्मूला होता है। अब आपको R1 का मान कितना दे रखा है, 120 प्लस R2 का मान कितना दे रखा है, 270 प्लस, और R3 का मान कितना दे रखा है, 330। तो आप जब इसका टोटल करेंगे तो ये 0, ये आएगा आपका 2, ये 7, तो 720 ओम जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, R का मान कितना निकल गया जाएगा, 720 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, R का मान कितना, मैंने कौन फॉर्मूला कौन सा लगाया कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज़ की बात कर रहा था, अगर ये मैं बात करूँ पैरेलल यानी कि जो समानांतर होता है उसका क्या होगा, उसमें होगा 1/R बराबर, ये बराबर यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये इस टाइप से चलता रहता है, R3 R4 इस टाइप से चलता रहता है, ये सिर्फ बटे में आ जाता है, और वो कैसे में होता है, वो जुड़ता है सीधा, मतलब सीरीज़ में जुड़ जाता है सीधे तरीके से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम इनमें से किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस इनमें से किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, राइट आंसर बताना है क्वेश्चन का आपको। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, जो इसमें से कुछ न्यूमेरिकल वगैरह जो छूटे हैं वो मैं आपकी अगली क्लास में कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, जो पिछला 11वां क्वेश्चन गया वो न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, वो न्यूमेरिकल सोल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है इस पर करने में। तो जो अगली जो क्लासेस होंगे ये कंप्लीट करवाने के बाद मैं आपको जो कैमरा वगैरह है उसमें मैं आपको सभी से आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन पर थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो अपना को थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो न्यूमेरिकल वगैरह मैं सब आपको कंप्लीट करवा दूंगा, इसके ऊपर टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम इनमें से किसके संरक्षण के नियम पर करता है, तो ऊर्जा के, किस पे, ऊर्जा जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। चलिए अब बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करंट का योग शून्य होता है, या किसका नियम है? चलिए कि किसी एक बिंदु पर मिल रहे सभी करंट का योग कैसा होता है? शून्य होता है। तो ये किसका नियम है, किसने ये नियम दिया था? चलिए तो किरचॉफ ने जो है आपका नियम दिया था, किरचॉफ करंट का नियम। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 15वां क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध के विद्युत ऊष्मारोधी का तापमान गुणांक है? चलिए ऑप्शन ए आपका धनात्मक तथा तापमान से मुक्त, बी ऋणात्मक तथा तापमान से मुक्त, सी ऋणात्मक तथा तापमान पर आधारित, अब डी ऑप्शन आपका धनात्मक तापमान पर आधारित। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक तथा तापमान पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, 16वां, किस पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है? जो पदार्थ प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है? चलिए तो लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन क्षेत्र पर, या पदार्थ पर, या फिर डी, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, इन तीनों पर यह निर्भर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2 μF के 4 संधारित्र एक श्रृंखला में जुड़े सीरीज की बात कर रहा है, तो तुल्य विद्युत धारिता कितनी होगी? तो 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, फिर 8 ओम। तो 4 की बात कर रहा है, तो 8 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, एक के साथ चला गया, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 की संदर्भ की बात कर रहा था ना, ठीक है, तो सीरीज में बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आपका बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विद्युतीय सोल्डर मिश्रण है, इनमें से किस किस का मिश्रण होता है सोल्डर? चलिए, और कितने प्रतिशत होता है ये भी आपको बताना है। तो बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 50% लेड, और जो 50% यहाँ पर जो है 50% लेड और 50% टिन। कहीं कहीं पर दिया जाता है आपको जो लेड की मात्रा होती है 40% दे देता है, और जो टिन की मात्रा होता है वो 60% भी दे देता है, तो ये भी माना जाता है। ठीक, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर दिया जाता है, लेकिन वो उसमें क्या होता है, उसमें जो सोल्डर होता है, जो उसकी मतलब उसको कठोर बनाने के लिए उसमें लेड की मात्रा अधिक कम करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको बराबर करना है तो लेड बराबर 50 और टिन आपको 50, लेकिन अगर उसकी कठोरता बढ़ानी हो तो लेड की मात्रा आपको बढ़ानी होगी। ठीक है, अगर उसकी कठोरता घटानी हो सोल्डर की, तो उसकी जो लेड की मात्रा कम करती है, उसकी जो ऐसी सिचुएशन घटती और बढ़ती चली जाएगी, तो ये ऐसे सिचुएशन बनती रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इस टाइप से क्वेश्चन बने तो आपको 50% लेड रखना है और 50% टिन रखना है। ठीक है, तो यही आपका जो बुक में है वही कहा गया है कि इसमें जो लेड की मात्रा 50% रखनी है आपको, और जो टिन की मात्रा है वो भी 50% रखनी है, आधी आधी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि सोल्डर में अगर हमें जो उसकी कठोरता बढ़ानी हो, ठीक, तो फिर आपको ऑप्शन दिया जाए कि 50%, फिर आपको ये नहीं चुनना हो, फिर आपको चुनना होगा जिसमें लेड की मात्रा अधिक हो, ठीक, और टिन की मात्रा कम हो, क्योंकि जो लेड की मात्रा बढ़ाएंगे तो कठोरता बढ़ जाएगी, और लेड की मात्रा कम करेंगे तो कठोरता आपकी घट जाएगी। ये आपको राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के बी के साथ जाएगा, 50% टिन, 50% लेड। चलिए अब 20वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1 12 वोल्ट की बैटरी का खुला प्रतिरोध वोल्टेज होगा किससे होगा? 12 वोल्टेज से कम होगा या जी अधिक होगा? चलिए राइट आंसर बताइए, 12 वोल्टेज से कम होगा या फिर अधिक होगा? तो अधिक होगा, 12 वोल्टेज से अधिक होगा, अपर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है, तो इस विधि को क्या कहते हैं?
इस विधि को क्या कहा जाता है? चलिए आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्युतीय अपघटन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतीय अपघटन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किस पर होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किस पर होती है? क्या थोड़ पर, एनोड पर, या फिर दोनों पर? चलिए आपको राइट आंसर बताएं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं हम, कैथोड पर होती है या फिर एनोड पर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती? चलिए राइट आंसर बताइए। तो दोनों पर की जाती है, तो एनोड पर भी और कैथोड पर भी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिजली घरों में किस भंडारण बैटरी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? बिजली घरों में किस पर भंडारण बैटरी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका निकल कैडमियम बैटरी, बी है जिंक कार्बन बैटरी, सी है लेड अम्ल बैटरी, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। तो लेड अम्ल बैटरी होती है बेसिकली, लेड जैसे उस जो बैटरी होती है उस पर लिखा भी होता है लेड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जो लेड अम्ल बैटरी चल सकती है, कितने जो उसका डेट होती है, जो एक्सपायरी होती है, वो कितनी कितनी होती है, मतलब कितने टाइम तक चल सकती है आपको बताना है। चलिए आपको राइट आंसर बताना है। तो 2 से 5 वर्ष वह चल सकती है, किसने? 2 से 5 वर्ष, ये इसकी गारंटी वगैरह भी दी जाती है, 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष दी जाती है, जिसको 24 महीने अधिकतम बोलते हैं ना कि 24 मंथ की इसकी जो गारंटी होती है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, 2 से 5 वर्ष तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चुंबकीय प्रवाह घनत्व मापा जाता है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व मापा जाता है तो किसमें मापते हैं? तो मापते हैं दोस्तों हम टेस्ला में हम चुंबकीय प्रवाह घनत्व मापते हैं, ठीक है। तो ये थे आपको टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास में आपको डिस्कस कराए, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल पर नए हो तो, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको जो जवाब हो इसका देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल आपके जो क्वेश्चन छोटे हैं, जो न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो मैं आपको जो क्लास होगी कैमरे वगैरह में, तो उसमें आपको करवा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ी सी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल थे वो थोड़े से बड़े हुए थे। जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल तो मैंने करवा दी, लेकिन जो न्यूमेरिकल आपके रह गए हैं वो थोड़े से लंबे बड़े से थे, तो जो स्क्रीन पर नहीं आ सकते थे, तो इसलिए जो क्लास होगी कैमरे वाली, तो उसमें आपको कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है, जितने आपके न्यूमेरिकल बचे हैं। तो अगली क्लास एक क्लास और होगी इसी मॉक टेस्ट की, ठीक है आप। और फिर जो क्लासेस होंगे, जो उसके चैप्टर बच गए हैं आपके, वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।